अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों पर ड्रोन से बमबारी जारी। अनंतनाग में पिछले 7 घंटे से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे पहाड़ी इलाके को घेरा। अनंतनाग एनकाउंटर में सेना रॉकेट लॉन्चर से कर रही है हमला। मुठभेड़ स्थल पर सेना लॉन्चर लेकर पहुंची। अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में हुआ। कर्नल को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई से पहले कर्नल मनप्रीत सिंह के बेटे ने पिता को किया सैल्यूट। इस दौरान कर्नल के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा। मेजर आशीष ढोंचक के पार्थिव शरीर को पैतृक स्थान हरियाणा के पानीपत लाया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ मेजर आशीष ढोंचक पंचतत्व में विलीन। शहीद मेजर आशीष को श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब सड़कों पर उतरा दिखाई दिया। स्कूल के बच्चों ने हाथ में तिरंगा लिया, भारत माता का जयकारा भी लगाया। आतंकी संगठन लश्करे तोयबा की शाखा टीआरएस ने आतंकी वारदात की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 10 लाख के इनामी आतंकी उज्जैर का हाथ है। अनंतनाग में जाबाजों की शहादत के बाद पूर्व फौजियों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के परगवाल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन सामने आया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व फौजियों और प्रदर्शनकारियों ने शहादत का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। एनकाउंटर में आज एक और जवान शहीद हुआ है। 4 जवानों की शहादत के बाद लोगों में गुस्सा है। शहीद होने वालों में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट है। एनआईए का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल में शामिल 4 आतंकियों पर 3-3 लाख का इनाम घोषित किया गया है। आरोपियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित। एनआईए ने पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया था। ये सभी भारत में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। अब 4 पर इनाम घोषित किया गया। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तो राज्य की महिलाएं और बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है, श्री रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। चंद्रशेखर बोले, ग्रंथों के अंदर पोटेशियम साइनाइड नाम की चीज है, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। चंद्रशेखर पर बीजेपी हमलावर हुई है। संबित पात्रा ने कहा है, जो लोग राम नाम को जहर बता रहे हैं, जनता उनका बॉयकॉट जरूर करेगी। गामे के बाद नू हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस का एक्शन सामने आया है। कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार हुए। आज कोर्ट में होगी पेशी। गिरफ्तारी के बचने के लिए खान ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। केरल के कोझिकोड में एक अस्पताल में निपा वायरस का एक और मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय ने निपा वायरस के एक और मामले की पुष्टि कर दी है। निपा के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने जारी किया है सर्कुलर। लोगों को केरल के प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। गोरखपुर में डेंगू और वायरल फीवर के मामलों में बढ़ोतरी सामने आई है। बुखार के साथ घट रहा है प्लेटलेट्स। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के मामलों को यूडीएसपी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद के ऐलान को 10 दिन के लिए वापस लिया गया है। गहलोत सरकार से बातचीत के बाद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का यह बड़ा फैसला। जसपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में सिर्फ छलावा किया। भूपेश बघेल के हाथी के दांत